हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे हम चीपेस्ट ग्रो बैग के बारे में। जो आपने देखा होगा ऑनलाइन पे जो ग्रो बैग मिलते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, और सभी जो बजट गार्डनिंग करते हैं उनको ये मंगाना सबके संभव नहीं होता है, खासकर बजट गार्डनिंग जो करते हैं। तो उसी के ऑप्शन के तौर पर हमने ये ग्रो बैग बनवाए, चीप एंड बेस्ट। हाँ, हो सकता है कि जो ऑनलाइन जो ग्रो बैग मिलते हैं उनकी थोड़ा लाइफ थोड़ा ज़्यादा मिले, इनकी थोड़ा कम मिले, लेकिन फिर भी बजट गार्डनिंग के हिसाब से ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। और ये बनवाए हमने त्रिपाल जो बरसाती होती है, उसी काली वाली बरसाती मोटी वाली, उसी को मार्केट से खरीद के ये ग्रो बैग बनवाए हैं। और मैंने तो इसी साल ये ऑप्शन ट्राई किया है और मुझे लग रहा है ये सब बेहतरीन ऑप्शन है बजट गार्डनिंग वालों के लिए। तो मैंने जो ग्रो बैग बनवाए हैं इनके बारे में आप बताऊंगा मुझे ये बैग कितने में पड़ा है और इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं और मार्केट से कितना सस्ता है। तो मैंने दिखा रहा चाहूँगा आपको कि जैसे देखो ये मैंने तीन ग्रो बैग तो ये बनाए मैंने रेक्टोंगल, दिख रहा है आपको ये वाला ग्रो बैग जो दिख रहा है आपको, ये 2 फुट लंबाई है, 1 फुट चौड़ाई है और 1 फुट ऊंचाई है इसकी। ऐसे करके मैंने ये तीन बनवाए हैं, आप देख लीजिए धीरे, ये तीन ग्रो बैग बनवाए हैं। और बाकी ग्रो बैग आपको ये देख रहे हैं आप, ये बनवाए हमने राउंड शेप में, देख रहे हैं आपको राउंड शेप में। ये भाई 6x6 इंच का ये ग्रो बैग है, इसकी हाइट 6 इंची है और इसका जो डाया है वो भी 6 इंची है। ऐसे करके ये ग्रो बैग बनवाए हमने। और एक ग्रो बैग है ये चावल के बोरे का ग्रो बैग है, ये भी राउंड शेप में बनवाया हमने। और कुछ ग्रो बैग में हमने कुछ फूलों कुछ सब्जियों के पौधे लगा दिए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिएगा। ये इसमें हमने कुछ ग्रो बैग में कुछ में फूलों के पौधे और कुछ में हमने ये जैसे शिमला मिर्च लगा रखी है और ये लगा रखा है डहेलिया और ये लगा रखा है हमने टमाटर के पौधे और ये लगा रखा है बैंगन और ये लगाया है मिर्च। ये 8x8 इंची के ग्रो बैग है जो लगा रखी सब्जी हमने, जो ये 8x8 इंची के हैं। देखिए ये फूलों के पौधे हैं, कैलेंडुला, डहेलिया। तो दोस्तों फिर आते हैं ग्रो बैग के कॉस्ट के बारे में। और कुछ ग्रो बैग हमने ऐसे भी जो राउंड सिम बनवाए हैं, ये बड़े ग्रो बैग हैं, ये 2 ग्रो बैग हैं बड़े जिनमें हमने, देखिए आप देखिएगा, इसमें लगा रखी हमने गाजर और इसमें लगा रखी हमने मेथी, बाकला और कुछ मटर, ठीक है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं इसकी कॉस्ट के बारे में, हमें ये ग्रो बैग कितने पड़ा, ताकि आप भी अंदाज लगा सकते हैं कि मार्केट से कितना सस्ता है। और ये देखिए ये ग्रो बैग है, ये जिसका जो बनाने का कॉस्ट है वो टेलर को मैंने दिया है 20 रुपीज, और इसको जो बनाने का मैंने दिया है एक ग्रो बैग का 10 रुपीज, यानी बनाने का जो चार्ज है इसका 10 रुपीज है और इसका है 20 रुपीज। अब ये कुल मिला के जो मैंने त्रिपाल ख़रीदा है और बनाने का चार्ज मिला के मुझे ये एक ग्रो बैग पड़ रहा है मेरे को 16 रुपये का एक, ये 6x6 इंच का या 8x8 इंच का ये मुझे पड़ा है 16 रुपीज। और ये जो बड़ा ग्रो बैग देख रहे हैं ये पड़ा है मेरे को 35 रुपीज़।
एक ग्रो बैग 35 रुपीज का पड़ा है। तो दोस्तों ये बजट गार्डनिंग के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है और मैं तो इसी को प्रेफर करता हूँ। और हम लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं, इसमें छत पर डायरेक्ट मिट्टी डालने से छत पर सीलिंग की समस्या आ सकती है, इसलिए मैं ग्रो बैग का इस्तेमाल करता हूँ। और चूंकि बजट गार्डनिंग करता हूँ इसलिए मैंने ये सस्ते और चीप एंड बेस्ट ग्रो बैग बनवाए और इनको मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप भी दोस्तों कोशिश कीजिए और ताकि अपनी गार्डनिंग को मैं सुचारू चला सकूँ, ताकि घर के बजट पे एक्स्ट्रा बजट भार ना पड़े। और ये मेरा मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, सक्सेस भी है, सही चल रहा है। तो आप भी ट्राई कीजिए, ये मार्केट में आराम से अवेलेबल है, ये काली तिरपाल मार्केट में आसानी से मिल जाती है, आप भी ट्राई कीजिए। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं तो कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।